प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गाजियाबाद में रोड शो किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। भाजपा प्रत्याशी अतुल गर्ग के लिए रोड शो करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को एलिवेटेड रोड से यूपी गेट से वाया नेशनल हाईवे 9 से निकाला गया। इस दौरान नेशनल हाईवे 9 और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर यातायात को रोका गया। रोड शो के दौरान समर्थकों ने जय श्री राम वंदे मातरम के नारे लगाए। इसके साथ ही 1400 मीटर के रोड शो में 36 जगह पीएम मोदी और सीएम योगी पर पुष्प वर्षा की गई। मोदी के साथ जीप पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भूपेंद्र चौधरी, सांसद बीके सिंह और उम्मीदवार अतुल गर्ग मौजूद हैं। सुनिए समर्थकों ने किस अंदाज में पीएम मोदी का स्वागत किया। लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का उत्तर प्रदेश में यह पहला रोड शो है, जिसमें पीएम मोदी के रथ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा उम्मीदवार अतुल गर्ग सवार थे। मोदी के रोड शो में जनता की ओर से उन पर फूल बरसाए गए। रोड शो में अब की बार 400 पार के नारों की गूंज और फूलों की बारिश के बीच पीएम मोदी ने अपने हाथ में कमल के फूल का प्रतीक चिन्ह लेकर सबका अभिवादन किया। इस रोड शो में सड़क पर जगह जगह आकर्षक पेंटिंग लगी थी, जिसमें पीएम मोदी को उनकी मां हीराबेन द्वारा आशीर्वाद देते हुए भी एक पेंटिंग लगाई गई। भगवान राम और सीता की झांकियों को भी इस रोड शो में देखा गया। आपको बता दें कि रोड शो के दौरान हजारों लोगों की भीड़ पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए मौजूद थी। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मोदी मोदी के नारे भी लगाए। हर 50 मीटर पर स्वागत के लिए मंच बनाया गया था। पीएम मोदी के रोड शो को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिली। भारी संख्या में लोगों ने एक जगह पर एकत्रित होकर पीएम मोदी के रोड शो के समर्थन में नारेबाजी की। पीएम मोदी के रोड शो के लिए गाजियाबाद में भाजपा समर्थकों का हुजूम देखने को मिला। सभी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह भी देखने को मिला। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।